दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। यमुना का जलस्तर 207.89 मीटर पहुंचा, खतरे के निशान से 2.08 मीटर ऊपर पहुंची है यमुना नदी। यमुना के जलस्तर ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रशासन ने घरों की मुनादी करना शुरू कर दिया है। निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। यमुना ने पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले साल 1978 में दिल्ली में बाढ़ के हालात बने थे, उस वक्त लाखों लोग बेघर हुए थे। उसके बाद अब 45 साल के बाद एक बार फिर से दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है और निचले इलाकों तक ही पानी सीमित नहीं है बल्कि अब दिल्ली में रिंग रोड तक पानी पहुंच चुका है। खतरे के निशान से 2.08 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। ऐसे में प्रशासन ने घरों की मुनादी करना शुरू कर दिया है। यमुना का पानी रिंग रोड को छू रहा है, निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 45 नावें तैनात कर दी गई हैं और जो बाढ़ वाले इलाके हैं वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हजारों लोगों को शिफ्ट किया गया है यहां से। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं निचले इलाकों की देख रहे हैं और ये देखिए रिंग रोड तक पर पानी पहुंच गया है। तो यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बहती हुई और लगातार इसमें पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है। तो यमुना का जो पानी है वो अब रिंग रोड तक पहुंच गया है और निचले इलाके तो हैं ही जहां पर चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि पिछले 45 सालों के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। इस बार जिस तरह से यमुना का वाटर लेवल बढ़ा है और पानी लोगों के घरों में घुस गया है, बस्तियों में घुस गया है, तो दिल्ली में जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, जो गांव हैं, वो पानी में डूब चुके हैं और ऐसे में कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और इस जगह को खाली कर दीजिए, पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम यूपी वासियों को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है इस जगह को खाली कर दीजिए और आप लोगों के लिए रहने का जगह डिपो पे बना दी गई है, वहां चले जाइए, वहां शिफ्ट हो जाइए। यहाँ पानी का लेवल बढ़ रहा है, कभी भी आपकी झुग्गी में पानी आ सकता है। तो यार देखिए किस तरह से जो प्रशासन है वो मुनादी कर रहा है। जो निचले इलाकों में बस्तियां पड़ती हैं जहां पर अभी पानी नहीं पहुंचा है लेकिन अब पानी पहुंचने की आशंका बढ़ गई है, वहां पर प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं वो जाकर मुनादी कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, उनसे दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर पानी कभी भी पहुंच सकता है, ये बताते हुए प्रशासन के लोग। तो ऐसे में पहले से ही यहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर अभी पानी नहीं पहुंचा है। बहुत से इलाके हैं जहां पर पानी पहुंच चुका है, जिनके घर डूब गए हैं और गांव डूब गए हैं। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, दिल्ली में 45 साल के बाद रिकॉर्ड टूट रहा है। 1978 में इससे पहले कहा जाता है कि उस वक्त ऐसे हालात दिल्ली में बने थे जब यहां पर लोग बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, ये बताइए वैसे ही हालात इस बार ना बन जाएं, इसको लेकर प्रशासन कितना तैयार है, क्या तैयारी उसकी तरफ से की गई है और फिलहाल दिल्ली का हाल क्या है? देखिए बिल्कुल 45 साल पहले की बात करें तो इसी तरह का सैलाब यमुना उफान पर थी और एक बार फिर यमुना उफान पर है। 45 साल बाद फिर वही परिस्थितियां हैं। हालांकि इन 45 साल में बहुत कुछ बदला है, लोगों की संख्या बदली है, मकानों की संख्या बढ़ी है, लोग बड़े हैं, इमारतें बड़ी हैं और साथ ही साथ यमुना के किनारे वाले रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, तो इसलिए इस बार खतरा बहुत ज़्यादा है जान और माल दोनों का ही। और इसीलिए प्रशासन लगातार मुनादी कर रहा है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जब से जिन कॉलोनियों में अभी तक पानी भरा हुआ था वो तो पानी से और ज़्यादा लबालब हो ही गई हैं, लेकिन अब उन झुग्गियों और कॉलोनियों की भी चिंता हो रही है जहां तक धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है और इसीलिए जो मुनादी की जा रही है अब उन इलाकों में की जा रही है जहां पर पानी धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है क्योंकि अब यमुना का पानी रिंग रोड पर आ गया है। कश्मीरी गेट के आसपास का जो रिंग रोड है वो यमुना के काफ़ी नज़दीक है और इसीलिए यमुना का जो पानी है इस रिंग रोड के एक हिस्से में आ गया है। ना सिर्फ रिंग रोड बल्कि भैरव मार्ग और बल्कि अन्य जगहों पर भी यमुना का पानी सड़कों पर आने लगा है जिससे कि यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है।
यातायात भी आज दिल्ली में बाधित है, बहुत जगह जाम लगा हुआ है। जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, उनको सिंगल किया गया है, यानी कि एक ही रोड पे आवाजाही हो रही है। तो इस तरह की परेशानियां अब दिल्ली में लगातार बढ़ रही है और लोगों को ठहरने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है, कई जगह तंबू लगाए गए हैं, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएँ की गई है, लेकिन लोग जो उनका सामान है उसको लेकर चिंतित है। हालांकि छतों पे लोगों ने सामान रखा है, लेकिन अब यमुना का पानी छतों तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। अपने खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर ऊपर है इस वक्त यमुना, और इसीलिए पानी अब सड़कों पे पहुंचने लगा है। जिस तरह से दिल्ली सरकार का कहना है कि हथनीकुंड बैराज से पानी आ रहा है, तो अभी और पानी बढ़ने की संभावना है। आज दोपहर तक यमुना का पानी दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके बाद हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। और इसीलिए सरकार की तरफ से धारा 144 जो लगाई गई है कई जगहों पे, दिल्ली पुलिस भी तैनात है, दिल्ली पुलिस भी निगरानी रखे हुए है, धारा 144 कई जगहों पे लगा दी गई है, ताकि लोग यमुना के नज़दीक उस ना जाए, जहाँ पर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है वहाँ लोग इकट्ठे ना हो। तो तमाम तरह के प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, विनय, कहा यह भी जा रहा है कि मेट्रो भी कुछ जगह पर धीमी रफ्तार से चल रही है, मेट्रो को भी स्लो किया गया है, और वहीं कुछ जगहों पर ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग अपने घरों की छतों पर इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर चढ़कर वो अपने आप को बचा रहे हैं इस पानी से। कुछ लोग मंदिरों की छत पर हैं, तो ये कौन सी जगह है, ये कौन से इलाके हैं? देखिए, हम लगातार इस को बता रहे हैं कि चूंकि लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है, तो लोग अपने घरों की छतों पर सामान रख रहे हैं, खुद पहुंच रहे हैं। हमने जो लगातार तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरह से लोग छतों पे बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि यमुना का लेवल कम हो, लेकिन फिलहाल यमुना का लेवल कम होता नज़र नहीं आ रहा है। यमुना बाज़ार का इलाका हल कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से यमुना का पानी बढ़ रहा है, और अब और भी ज़्यादा पानी बढ़ गया है। तो ऐसे में परेशानियाँ लोगों की बढ़ रही है। जहाँ तक मेट्रो की बात है, जो मेट्रो यमुना ब्रिज के ऊपर से जा रही है, यमुना के ऊपर से जा रही है, तो लाजमी है मेट्रो भी एहतियातन के तौर पर धीरे चल रही है, ताकि किसी तरह की कोई क्षति ना हो। ये तमाम तरह की कवायद हर तरफ से की जा रही है, चाहे वो क्योंकि अब जो लोहे का पुल है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, वहाँ से पिछले 2 दिनों से आवाजाही बंद कर रखी है। तो हर जगह से एहतियातन के तौर पे जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं, चाहे मेट्रो हो, चाहे भारतीय रेल हो, चाहे प्रशासन हो। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो भी लगातार इन जगहों पे जाके, बाढ़ वाली जगहों पे जाकर दौरा कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति, वहाँ के लोगों को क्या सुविधा मिल रही है, वहाँ के लोगों को क्या राहत दिया जा रहा है, राहत कैंप उनको पहुँचाया गया है या नहीं पहुँचाया गया है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों का जायजा उपराज्यपाल जाकर ले रहे हैं। तो हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इस बाढ़ जो कि आफत बनकर आई है फिलहाल, उससे लोगों को बचाया जाए, और यही कोशिश लगातार हम देख रहे हैं कि की जा रही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनसे लगातार कह रहा है कि आप अपना घर छोड़ के चलिए, अपने सामान जो कि हल्का सामान जिसको मूव किया जा सकता है उसको लेकर चलिए, भारी सामान को छत पे लोगों ने रखा हुआ है। तो कोशिश लगातार हर तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से जान का नुकसान ना हो, लेकिन अभी चूंकि खतरा टला नहीं है और खतरा अभी बरकरार है और माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है, जो किसी के भी मन में आएगा जो दिल्ली में रहता है, कि अगर पानी रिंग रोड तक पहुंचा है तो क्या पौश इलाकों में भी पहुंच सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पानी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो वो किस इलाके में जाए और कहां कहां जाए, इसका अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। जो कि जो हमने कल तक देखा था, कल पानी रिंग रोड पे नहीं पहुंचा था, लेकिन आज रिंग रोड की तरफ बढ़ गया है पानी। रिंग रोड की तरफ बढ़ने का मतलब, अगर पानी का स्तर और बढ़ता है तो अभी एक रिंग रोड का एक हिस्सा बंद किया गया है, और अगर इसी तरह पानी का लेवल और बढ़ेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, रिंग रोड के दोनों हिस्से बंद किया जा सकते हैं। और उसके आगे रिहाइश इलाका है, सिविल लाइन जैसे इलाके, पौश इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी पहुँचने की संभावना है। मॉडल टाउन इलाका जो कि यमुना के ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वहाँ पर पानी पहुँचने की संभावना। तो इस तरह की कोशिशें लगातार की जा रही है कि जितना लोगों को बचाया जा सके उतना बचाया जा सके, क्योंकि फिलहाल यमुना का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यमुना को पूरे उफान पे है, या फिर कहें कि उफान से ज्यादा गंभीर स्थिति है अभी यमुना की, और इसीलिए यमुना का जलस्तर अब दिल्ली के शहरी इलाकों में भी होने लगा है।